फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। मेरा मानना है कि जो एनसीईआरटी बुक है वो पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी एक नींव का काम करता है। किसी भी विषय के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए हमारा एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है उसको लेकर के हमें बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी देता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्लैरिटी शब्द का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्लैरिटी दो लेवल पे होता है, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे और दूसरा होता है एक्सप्रेशन के लेवल। किसी भी टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे क्लैरिटी लाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एनसीईआरटी का होता है, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी चीज़ों को जो कहता है वो उनका लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, उनका प्रेजेंटेशन बेहतरीन होता है। प्रेजेंटेशन के जितने टूल्स होते हैं उन सारे टूल्स को एनसीईआरटी यूज करते हुए अपनी बात को जब कहते हैं तो आपको उन चीज़ों को समझना बहुत ही सहज और सुलभ हो जाता है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए विद क्लियरिटी एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं क्लियरिटी एट द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, इट मीन्स दैट जब हम अपनी बात को कहते हैं या अपनी बात को लिखते हैं, इंटरव्यू में हम अपनी बातों को कहते हैं शब्दों में ओरली, और मेंस में हम अपनी बातों को, अपने आइडियाज को, अपने कंसेप्ट को रिटन फॉर्म में जब कहते हैं तो वहाँ भी क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। एट द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज ए ग्रेट रोल ऑफ एनसीईआरटी कि आप अपनी बातों को कैसे कहें। अच्छा, हम किसी भी चीजों को कैसे कहें, ये चीज हमने बचपन से सुना है, समझा है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, मेरी माँ कैसे कहती है, पापा कैसे कहते हैं, तो हम वहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं। एज ए ह्यूमन हमारे पास एक क्वालिटी है, ये इम्ब्रियोनिक क्वालिटी है हमारे पास, हम इसको सीख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक इसी तरह से एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो अपनी बातों को बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल तरह से और बहुत ही इफेक्टिव वे में जब कहने की कोशिश करती है। बहुत सारे आप जो प्रेजेंटेशन के टूल्स हैं उन सारे चीजों को यूज करते हुए जो एनसीईआरटी अपनी बातों को कहता है उसको बार बार देखने, पढ़ने और समझने से वो सारा चीज हम अपना बना लेते हैं। तो वो जो प्रेजेंटेशन का जितने भी मैकेनिज्म और मेथोडोलॉजी एनसीईआरटी यूज करता है उनको हम अपना बना करके अपनी बातों को उसी मेथोडोलॉजी एंड मैकेनिज्म में जब हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। प्रेजेंटेशन के लेवल पे, एक्सप्रेशन के लेवल पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने के लिए भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी के बेस पे जो क्वेश्चन हो सकता है, एनसीईआरटी के बेस पे दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक, एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरा, हर चैप्टर में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द यूपीएससी, उसके आधार पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं खुद फ्रेम करके आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो इस तरह से हम आपको क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं इस आधार पे कि एनसीईआरटी आपका जो है एक बेस बनाएगा, एक नींव बनाएगा, एक फाउंडेशन तैयार करेगा। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से इस वर्क को स्टार्ट करने की कोशिश किया है। एनसीईआरटी के कारण हमारा क्वेश्चन जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बहुत ही सिंपल होगा। अभी हम क्वेश्चन को ट्विस्ट नहीं करेंगे, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है वो स्किल को हम लोग सीखेंगे। जब हमारा ये लेवल क्रॉस हो जाएगा देन हम एनसीईआरटी जो एक बेसिक, जो एक फंडामेंटल नॉलेज हमारा तैयार करेगा उसके आधार पे इसको हम करंट से लिंक कर देंगे। सेम चीजों को जब हम करंट से लिंक करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वन स्टेटमेंट का नहीं, वन लाइनर नहीं होगा मेंस का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये टू लाइनर्स और थ्री लाइनर्स हो जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि आंसर लिखे कैसे हैं। जब हम ये चीज को जान जाएंगे कि आंसर को कैसे लिखे हैं, तब इस क्वेश्चन को जब हम ट्विस्ट करेंगे, दो लाइन तीन लाइन का क्वेश्चन बना करके जब ट्विस्ट करेंगे, तब जब आप इस आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, कहीं भी आप जरा सा भी पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है बहुत ही कंक्रीट है, बहुत ही सॉलिड है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत किया था। मैं इस चीजों को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को लिखने के लिए दिया था, एनसीईआरटी 6 क्लास का जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया था और वो मैंने लिखने के लिए बोला था। जो क्वेश्चन है वो ये है, डू यू एग्री दैट मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच आवर इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, कई लोगों ने मतलब बेहतरीन लिखने की कोशिश किया है, लेकिन मैं इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहता हूँ जो आप सब में एक यूनिवर्सली अप्लाई होता है। सबसे पहले बात जो है, क्वेश्चन को पढ़ना आपको है तो उस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में कीवर्ड जो है मूवमेंट ऑफ पीपल है, मूवमेंट ऑफ पीपल जो है इसका कीवर्ड है, फर्स्ट कीवर्ड।
सेकेंड कीवर्ड है इसका इनरिचमेंट एंड थर्ड कीवर्ड है इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रुक जाइए, इसको समझिए। इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस का मतलब क्या है, इंडियन का मतलब क्या है, कल्चरल का क्या मतलब है और ट्रेडिशंस का क्या मतलब है। इन तीन वर्ड से मिलकर जो ये कीवर्ड बना है ये एक टाइम एंड स्पेस का बात करता है। टाइम मतलब ट्रेडिशंस की बात करता है, ट्रेडिशंस एक दिन में नहीं बनता है, उनको बनने में हजारों साल सौ साल लग जाते हैं। और किस चीज का ट्रेडिशन, तो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन की बात करता है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन जो टाइम के साथ एक डेवलपमेंट हुआ है उसकी बात कर रहा है फर्स्ट, तो ये आपका टाइम हो गया। और किसकी बात कर रहा है, तो इंडियन कल्चर की बात कर रहा है। और जब इंडियन कल्चर की बात कर रहा है तो एक ज्योग्राफी मतलब एक स्पेस की बात कर रहा है, एक भूभाग की बात कर रहा है, एक लैंडफॉर्म की बात कर रहा है, वो है लैंडफॉर्म इंडिया। तो इंडिया का जो स्पेस है, इंडिया का जो ज्योग्राफी है, इसमें जो कल्चर का टाइम के साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस। इस इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस के इनरिचमेंट में एक याद रखिएगा, जो कल्चर होते हैं वो या तो डिक्लाइन करते हैं या वो इनरिच करते हैं। हम इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस के इनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, न कि डिक्लाइन की बात करते हैं। समय के साथ हर कल्चर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो समय के साथ रेलिवेंट नहीं रहते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ नए तत्व आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं जो उस कल्चर को इनरिच कर देते हैं। तो आप जरा देखिएगा हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या है। हम इनरिचमेंट की बात करते हैं कि कुछ नए एलिमेंट्स जब आकर के किसी कल्चर को इनरिच कर देता है, तो हमारा फोकस यहाँ पे है, इनरिचमेंट पे है। अब बात आती है कि इनरिचमेंट होता कैसे है, अपने आप हो जाता है क्या? नहीं, इनरिचमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस फैक्टर में एक फैक्टर की बात यहाँ कहा गया है, मूवमेंट ऑफ पीपल। तो ये देखिए इनरिचमेंट किसका, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस का, कैसे, तो मूवमेंट ऑफ पीपल के द्वारा। अब आपका क्वेश्चन, ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक वर्ड है, डू यू एग्री। ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स के डायरेक्शंस को निर्धारित करता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, डायरेक्शन क्या होगा क्वेश्चंस का। देखिए कभी डिस्कस हो देता है, कभी एनालाइज देता है, कभी क्रिटिकली एनालाइज देता है, कभी डू यू एग्री दे देता है। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हमको बारीकी से समझना है। ये लगभग 70-80% हर चीज में सेम ही होगा, लेकिन ये जो 30-20% जो डिफरेंसेस होते हैं, ये इन्हीं वर्ड्स के कारण होते हैं। इसीलिए इन सारे वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। आने वाली क्लास में हम इस तरह के लगभग 15-20 वर्ड्स जो हैं, जिसको हम लोग टेड वर्ड बोलते हैं, या ऐसे वर्ड जो क्वेश्चंस के आंसर के डायरेक्शंस को निर्धारित करता है, उन पे हम डिस्कस करेंगे। 15-20 वर्ड्स का हम आपको लिखेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, और एग्जांपल के द्वारा हम उस मीनिंग से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, इसका क्लियरिटी करेंगे कि कैसे दोनों में डिफरेंसेस हैं, एनालिसिस में और क्रिटिकली एनालाइज में क्या अंतर है, डिस्कशन में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्लास में लेकर के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम टू द पॉइंट बात करते हैं। इस क्वेश्चंस के आंसर में आपको सबसे पहले ये डिस्कस करना होगा कि कल्चर क्या है, फिर डिस्कस करना चाहिए कि इंडियन कल्चर किसे कहते हैं, उसके बाद इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस को आपको बताना होगा फर्स्ट पैराग्राफ में या एक से दो पैराग्राफ में आप ये बताइए। पर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और 150 वर्ड में है, तो ये एक पैराग्राफ इनफ है, इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते। अगर इससे ज्यादा आप लिख रहे हैं तो नंबर तो ज्यादा आ सकता है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। और इस तरह के एग्जामिनेशन में आप टाइम ज्यादा लग जाए, इसका मतलब है एक क्वेश्चन में दो नंबर बढ़ाने के लिए अगर आप यहाँ टाइम दे रहे हैं, तो दूसरा कोई क्वेश्चन जो हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन ही छूट जाए, 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन छूट जाए। तो आप ऐसा ना करें, ये टेक्निक है, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पर भी हम एक अलग क्लास लेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पैराग्राफ में आप इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये बात होती है थ्योरेटिकली आप बता रहे हैं कि क्या है, जो आप बता रहे हैं उसको एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको सब्सटेंशिएट करना होगा कि इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस में ये एग्जाम्पल्स हैं। याद रखिएगा, जो आप बात कहना चाहते हैं उसको जब तक आप एग्जाम्पल्स डाटा और फिगर्स के द्वारा आप नहीं कहेंगे, तब तक वो सब्सटेंशिएट नहीं होगा, उनकी वैलिडिटी नहीं होगी। वैलिडिटी के लिए आपको एग्जाम्पल्स डाटा एंड फिगर्स के द्वारा अपने बातों को प्रमाणित करने के लिए इन चीजों के द्वारा आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप इनको कर लीजिए, पहला पैराग्राफ में ये करेंगे। दूसरा पॉइंट में आप ये डिस्कस करेंगे कि इनरिचमेंट क्या होता है और इनरिचमेंट का फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इनरिचमेंट क्या होता है वो बताएंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा, कैसे इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस में इनरिचमेंट हुआ है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अच्छे नहीं थे, वो समय के साथ पीछे छूट गए हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स जो है हमारे इंडियन कल्चरल्स के पार्ट नहीं थे, लेकिन वो हमारे कल्चर के पार्ट बने और वो ऐसा हो गया कि वो हमारे कल्चर के पार्ट के
अभिन्न अंग बन गए, उनको ही हम इंटरकल्चरल का पार्ट मानते हैं कि ये पहले भले न हो लेकिन पार्ट्स बनने के बाद, इंडियन कल्चर का पार्ट बनने के बाद वो इनका एक ऐसा एलिमेंट हो गया कि वो पहचान बन गया इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस का। ठीक है, इस इंगेजमेंट का यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ पीपल क्या होता है। मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा अन्य क्या चीज है जो इंगेजमेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे चीजों को लिख रहे हैं, जितने भी स्किल्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, उन सारे प्रेजेंटेशन के स्किल्स को यूज करते हुए आप आंसर लिख रहे हैं, तो आपका आंसर 10 में 5 नंबर का होगा। इस क्वेश्चन में हिडन क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ पीपल ही है या कुछ और है। जैसे आप पकड़ लिए कि मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा कुछ और है, तो आपने उसका आंसर जैसे देने की कोशिश कर दिया, तो आपका ये हिडन क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे ही आप हिडन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो आपका आंसर जो है वन डायमेंशन में ना होकर के मल्टी डायमेंशनल होने लगता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं बात कर लूँ, मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा और क्या हो सकता है। रिलीजन हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, मानसून हो सकता है, ये सारे जो है मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा दूसरे फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा और कुछ सोचना है, क्या मूवमेंट ऑफ पीपल ही इम्पोर्टेंट है कि मूवमेंट ऑफ अदर्स थिंग भी इम्पोर्टेंट है इनरिचमेंट ऑफ कल्चर के लिए? तो अदर्स थिंग भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मूवमेंट ऑफ गुड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां से अमेरिका से लोग नहीं आए हैं, लेकिन अमेरिका से बहुत सारे सामान इंडिया में आए हैं जिनको यूज करके हम अपने कल्चर का पार्ट बना लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ आइडियाज भी आते हैं। अमेरिका में टीवी पे बैठ करके जो कुछ भी हो रहा है, सोशल मीडिया और इंटरनेट और टेलीविजन के द्वारा, हम अपने मोबाइल के द्वारा हम उनको अपने घर बैठे देख रहे हैं, वहाँ के आइडियाज हमारे पास आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ आइडियाज भी होते हैं ड्यू टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण। इस तरह से देखिए, मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा अन्य अदर्स थिंग्स भी है, जैसे आपका रिलीजन हो गया, आपका पॉलिटी हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपके आंसर में 5-6 पॉइंट और एड ऑन हो सकते हैं, और हर पॉइंट को, हर आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ होना चाहिए। याद रखिएगा, आपका आंसर, टोटल आंसर एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, आपका आंसर कई पैराग्राफ में होना चाहिए, और एक पैराग्राफ 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हर पैराग्राफ एक आइडिया को बताता है। जब आप मूवमेंट ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में बता दीजिए, जब मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा मूवमेंट ऑफ आइडिया की बात कर रहे हैं तो उनको अलग पैराग्राफ से बताइए, मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको एक अलग पैराग्राफ में बताइए। मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा दूसरे फैक्टर्स जो हो सकते हैं, जो पॉलिटी हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, मानसून हो सकता है, इन सारे चीजों की बात कर रहे हैं, तो हर को अलग अलग जब पैराग्राफ में बताएंगे तो आपका 7-8 और 10 पैराग्राफ भी हो सकता है, और पैराग्राफ बिल्कुल 4-5 लाइन का से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका आंसर ही बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा, हर पैराग्राफ में एक आइडिया। क्योंकि मेरा क्लास हर एग्जाम के लिए है, यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, कुछ ऐसे पीसीएस एग्जाम्स हैं जहां अंडरलाइन की बात नहीं करता है, तो मैं आपको अभी पीसीएस के लिए तो अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब यूपीएससी की बात हो, जहां आप एक कोई इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख रहे हैं, तो वहां पर अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें, ताकि इवेल्युएटर को लगे कि देखिए मैं जानता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, आपका नजर से हमारा ये मिस नहीं होना चाहिए। ये अंडरलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के अन टूल्स क्या हैं, जैसे मैप हो गया, जैसे ये इंडियन की बात करता है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप आना चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कल्चर की बात हो, जब भी हिस्ट्री की बात हो, जब भी ज्योग्राफी की बात हो, और उसमें जब इंडिया की बात हो, तो आप सिर्फ इंडिया का मैप ना बनाएं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात मैप बनाएं। और एक चीज जो बहुत लोग मिसिंग करते हैं, जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो जो लैंड का मैप होता है वही बनाते हैं, जो ओशियंस वाला पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो लैंड एंड ओशियन दोनों को मिला के बात करते हैं, दोनों को अलग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है। मानसून का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंडियन कल्चर पे, और मानसून का क्रिएशन जो है इंडियन ओशियंस में होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन का। इसीलिए अगर आप मैप बनाते हैं तो इंडियन ओशियंस का भी मैप बना दीजिए, और कैसे पता चलेगा इंडियन ओशियन का, तो थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट बना दीजिए, वाटर का लगेगा। इस तरह से आपके प्रेजेंटेशन में मैप आ जाएगा। फिर कैसे पैराग्राफ और पॉइंट दोनों एक साथ कर सकते हैं हम, कैसे डायग्राम यूज कर सकते हैं, कैसे फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, कैसे आप एक ग्राफ को यूज करके बात कर सकते हैं, इन जब हमारा डिफरेंस की बात आता है तो कैसे हम एक टेबल बना सकते हैं, कैसे हम बॉक्स यूज कर सकते हैं, इन सारे चीजों पे हम अगले क्लास में, या जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट और डिमांड होगा,
उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में किस तरह से एक स्पेसिफिक टूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन की जरूरत होगा, वहां पे मैं डिस्कस करते हुए आपको सारे टूल्स प्रेजेंटेशन के जितने भी टूल्स हैं उन सारे को मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जो कोशिश कर चुके हैं लिखने का, और अभी जो मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया है, इस क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश किया है, इस डिस्कशन के आधार पे इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से लिखने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है जब आप दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, आपका प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है। दोस्तों, आप कभी ये मत कहिए कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको आता है। दिक्कत ये होती है कि अगर आप लिखने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कहाँ से शुरू करें, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, न कि हमको कुछ नहीं आता है। आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन उन सारे चीजों में कहाँ से स्टार्ट करें ना, ये हमारे लिए एक हर्डल बनता है। इसलिए दिमाग में ये मत लाने की कोशिश कीजिए कि आपको नहीं आता है। क्वेश्चन ये हर स्टूडेंट के सामने ये आता है कि हम शुरू कहाँ से करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे लिखें। आप इस पे सोचना ही छोड़ दीजिए, जैसे होता है लिखना शुरू कर दीजिए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बताना कि इसको कहाँ से शुरू करना था, कैसे लिखना था, कैसे अंत करना था, कैसे इसका बॉडी को अरेंज करना था, कैसे पैराग्राफ को अरेंज करना था, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में कैसे आना है, कैसे फ्लो बनाना है, कैसे एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कैसे जुड़ा होगा, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कैसे जुड़ा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी चीजों पे काम करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर कर पा रहा हूँ, आपको ये मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं फिर इसको डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। और मुझे ये आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।